मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल पर, उनकी औलाद पर, उनकी उम्मत पर। ये ज़रा लोगों को चुप करवाओ यार पीछे। आज बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है भाईजान, आप तो चुप कर जाए ना भाई साहब, चुप तो कर जाओ यार, यार यार चुप तो कर यार। आवा दूसरे बंदों को तो मेरी जान, दूसरे बंदों को करने दो, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। आप कानून के खिलाफ बात कर रहे हो, मैं पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं कर सकता प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये कानून के खिलाफ है। अब आपके फारूक हबीब का नाम बैलेट पेपर के ऊपर है, आपको इतना भी नहीं पता, उसका नाम बैलेट पेपर के ऊपर है, वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जा सकता है, मैं नहीं जा सकता, कानून तो सामने देखे ना। ओके कह रही हूँ। देखिए आज बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है 16 अक्टूबर का, आज पाकिस्तान के अंदर रेफरेंडम हो रहा है, आज के दिन ये फैसला होना है कि क्या पाकिस्तान ने इस इम्पोर्टेड रेजीम जिसने पाकिस्तान की तबाही कर दी 5-6 महीने के अंदर, क्या पाकिस्तान इनके साथ खड़ा है या पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। आप आज शाम के रिजल्ट देखेंगे। अभी मैंने चंद पोलिंग स्टेशन विज़िट किए हैं और जितने भी पोलिंग स्टेशन विज़िट किए हैं उन पर यही सामने आया है कि मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन वोट डाल रही हैं आज, और यही हमारी एक्सपेक्टेशन भी थी, क्योंकि हमारी माएँ बहनें बेटियाँ उनमें ज़्यादा शऊर आ चुका है आज, मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन के वोटों की रेशियो चल रही है इस टाइम, अभी तक की जितनी भी पर्चियाँ बनी हैं हमारे बूथ से। तो ओवरऑल टर्नआउट जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा लो है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन के हिसाब से टर्नआउट बहुत बेहतर है, जिससे बड़ा वाजे है कि हमारी जमात यहाँ से इंशाल्लाह बड़े आराम से जीतेगी। अभी ननकाना साहब में बात हो रही थी, वहाँ से भी पता चला कि इंशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन है, बाकी हलकों में भी जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे आपके सामने आएंगे। लेकिन जो यहाँ पर बात है आज फैसलाबाद के अंदर, फैसलाबाद का ये जो हल्का है, यार खामोशी रखें जरा बेटे प्लीज, यार एक सेकंड भाई यार, फैसलाबाद का ये जो हल्का है इसमें आज मारका है दो उन लोगों के दरमियान, एक स्टेटस को इस इम्पोर्टेड रिजीम के बारे में। यार बात तो सुन लो भाई, चलो बेटे ओके ना करो यार, मुझे नहीं पता कौन है बच्चों ना, ओके बेटे ओके ओके कर रही हूं, आराम से रिलैक्स। सो एक तो आपने आज देखना है कि जो इम्पोर्टेड रिजीम है उसके बहुत सारे आलाकार जो हैं वो आज कई जगहों पर इलेक्शन में उतरे हुए हैं, एक तरफ अकेला इमरान खान है, एक तरफ ये तमाम इम्पोर्टेड रिजीम और इसको तमाम हेल्प करने वाले एक साइड पे खड़े हैं, अकेला इमरान खान अपनी आवाम के साथ अल्लाह के सहारे एक साइड पे खड़ा है। आज आवाम अपना वोट डाल रही है क्योंकि पहले भी इन सीटों पर आवाम ने इमरान खान को ही वोट दिया था, लेकिन इमरान आवाम के उस वोट को उठाकर फेंक दिया गया, आवाम के उस वोट को रद्दी की टोकरी में फेंका गया, आवाम के उस वोट की इज्जत नहीं की गई। आज आवाम को उस चीज़ का भी गमो गुस्सा है, आज आवाम दोबारा वोट कास्ट कर रही है अपने कप्तान को, आज आवाम दोबारा ये फैसला करने जा रही है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होने हैं, आज आवाम ये दोबारा फैसला करने जा रही है कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो दो की जगह एक रोटी खाने को तो शायद तैयार हो जाए, उनका मीटर कट जाए बिजली के बगैर तो शायद रहने को तैयार हो जाए, फटे कपड़े पहनने को तो शायद तैयार हो जाए, लेकिन पाकिस्तानी आवाम किसी सूरत अपनी गैरत पे सौदेबाजी नहीं करेगी। कल सदर बाइडन का जो बयान आया उसके बाद जिस तरीके से इनको सांप सूंघा, जिस तरीके से बिलावल जरदारी ने कहा कि वो जो उन्होंने हमारी बेइज्जती की है वो फॉर्मल तरीके से नहीं की, किसी इनफॉर्मल तरीके से बेइज्जती की है, इसलिए मुझे बेइज्जती महसूस नहीं होती। बिलावल जरदारी का बयान ये था कि वो किसी फॉर्मल तकरीब में छितर नहीं मारिया, वो इनफॉर्मल तक, इहदा मतलब है कि बिलावल साहब नू अगर बिजत शिजत करना होवे तो इनफॉर्मल जगह ते करो, फॉर्मल जगह ते ना करो। सो ये तो बिलावल ने, उससे ज़्यादा जो क्यूबन एम्बेसडर है पाकिस्तान के अंदर उसने पाकिस्तान की बेहतर नुमाइंदगी कर दी, उसने पाकिस्तानी आवाम की बेहतर नुमाइंदगी कर दी, लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके से सरदमोरी का, जिस तरीके से मुतमईन, मैं बस कह देता हूँ आगे आप लफ्ज़ खुद ही चूज कर लें, जिस तरीके से इन्होंने मुतमईन पटवारी होने का इन्होंने सबूत दिया और ये बर्फ में लग गए उस स्टेटमेंट के बाद। अल्लाह भला करे इस कौम को इमरान खान जैसा बेटा दिया हुआ है, उसने पहले बयान दिया, जब उसने बयान दिया तो इनको भी थोड़ी सी हिम्मत हुई, उसके पीछे फिर बयान आने शुरू हुए, वो लफ्जी बयान जो इनके हैं, और 7 मिनटें भी बैकडोर पर शुरू हो गई। तो ये वो थे जो कह रहे थे कि इमरान खान के अमरीका से
ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, हमने अमरीका से ताल्लुकात अच्छे करने हैं। और अब जदों उतों लित्र पे है तो हुण कहंदे ने ਉਹ ਫਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਇਨਫੋਰਮਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਪੇੜ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਬਿਸਕਿਟ ਸ਼ਿਸਕਿਟ ਖਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲਿੱਤਰੋ ਲਿੱਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ। ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੌਮ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਆਟਾ ਜੋ 55 ਰੁਪਏ ਕਾ ਮਹਿੰਗਾ ਥਾ, ਆਜ ਵੋ 125 ਰੁਪਏ ਕਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕਾ ਯੂਨਿਟ 16 ਰੁਪਏ ਕਾ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾ ਥਾ, ਆਜ ਵੋ 40 ਰੁਪਏ ਕਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1800 रुपये अगर किसी का बिल ज़्यादा था तो उस पर रौला था, आज जो 7000 रुपया बिल ज़्यादा आ रहा है हर सारिफ को उस पर रौला नहीं है। पेट्रोल की कीमत डॉलर खुद कहते हैं 200 से नीचे होना चाहिए, तो जो 250 पे आप बेचते रहे हैं इसका मतलब आप तो खुद ही मान गए कि आप ज़्यादती करते रहें। हम तो कहते हैं डॉलर 176 पे होना चाहिए जहाँ हम छोड़ के गए थे। तो आपने जो कुछ इस मुल्क के साथ, किसान के साथ, आपने मैनुफैक्चरिंग के साथ, यहाँ पावर लूम्स के साथ सब कुछ कर दिया, उसका हिसाब आवाम पोलिंग स्टेशन के अंदर ले रही है। अगर धांधली ना की, जो कि मैं एक बात वाजे कर दूं कि अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिस्टमेटिक तरीके से यहां पर एक प्री पोल धांधली करने की कोशिश की है, जिसका सवाल पूछना चाहिए और उन्हें जवाब देना चाहिए। और वो ये है कि उन्होंने हमारे वोटर्स के घराने नंबर चेंज किए, उन्होंने हमारे वोटर्स के पोलिंग स्टेशन नंबर चेंज किए, उन्होंने हमारे वोटर्स को हलकों से भी बाहर निकाल दिया। तो ये वारदात डाली गई है, लेकिन उसके बावजूद हमें उम्मीद है कि आवाम ने इतना वोट डालना है कि आज इस इम्पोर्टेड रिजीम का जो आखिरी एक ये छुपने की कोशिश कर रहे थे इससे भी इनका नकाब उतर जाएगा और इन्हें अब आवाम को जवाब देना पड़ेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपने खिलाफ क्या बात कर रहे थे, तो बाकी वजीर जो है दाखिला राना सलाउद्दीन इसके साथ साथ ऐड कर लें कि रात एक फुटेज जारी हुई है, वायरल हुई है, जिसमें पीटीआई का एक बंदा है जो लोगों को पैसे दे के वोट खरीद रहा है, इस बारे में आप क्या कहें? दो बातें देखिए जी, पहली बात तो आपने की राणा सनाउल्ला साहब के वो ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, ये ज़ाब्ता अखलाक तो छोटी जी गल है, उन्होंने तो अदालतों की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। उनके वारंट जारी हुए और आईजी ने कह दिया, इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि हम तामील नहीं करेंगे, हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। वो दंदनाते फिरते रहे इस्लामाबाद के अंदर, उनको किसी ने पकड़ा नहीं। और दूसरी तरफ हमारी पार्टी का कोई शख्स किसी जुर्म में मतलूब ना हो उसको भी पकड़ लिया जाता है। तो इसलिए ये ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियाँ तो पूरी नून लीग उड़ा रही है, इस पर आपने क्या गिला करना? बस ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है, लेकिन हम खेल रहे हैं क्योंकि हमने मुकाबला करना है। पाकिस्तान की आवाम को पता है कि नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके बावजूद हमने मुकाबला करना है। तो राणा सनाउल्ला ने जो ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियाँ उड़ाई हैं उस पर मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जानबदार है। जब अदालतों के वारंट्स की धज्जियाँ उड़ाने पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ज़ाब्ता अखलाक पे की। दूसरी, आपने कहा बड़ा आसान काम है पीटीआई का झंडा गले में डालें, 10,000 रुपया बांटें, वीडियो बनाएं और कहें मैं पीटीआई का बंदा हूँ। इस तरह से चवल पीटीआई दे नहीं हो सकते, हम पैसे दे के वोटें नहीं खरीदते, ना ही हमारा काम है। ये जिनका धंधा है ये उन्हीं को याद रखें, और उन्होंने सिर्फ ये जो है ना जिस तरह मेहर साहब के कोल इस वेले है ना इस तरह कि उन्होंने फड़ लिया है तो वो फड़ के अपने गल च पा लिया है और पा के उन्होंने काम बखा देता है। कप्तान ने लॉन्ग मार्च अच्छा सर कुछ सवाल और ले लेना एक सेकंड। कप्तान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान करना था, वो कब करेंगे? आज का इलेक्शन का रिजल्ट देख के करेंगे या देखिए वो कप्तान की स्ट्रेटजी है, वो खुद सामने लाएंगे। अभी उन्होंने वो किसी और से शेयर नहीं कर रखी, वो सिर्फ उनको पता है कि उन्होंने कब ऐलान करना है। जब वो ऐलान करेंगे तो पूरी जमात, पूरी कौम उनके पीछे खड़ी होगी और इनका जो मंजी बिस्तरा है वो वहाँ से भी गोल होगा, आवाम से पहले ही गोल हो चुका है। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।